एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका फर्स्ट एग्जाम है, जो कि आपका CUET PG 2024 का एग्जाम डेट है आपकी 11 मार्च की, और आपका जो एग्जाम का कोड है डेट इज HUQP10, हिस्ट्री ऑफ आर्ट आपके पेपर का नाम है। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को शुरू। और जैसे कि मैं आपको सारी वीडियो जो मैं आपको बताने वाली हूँ, एक एक करके बनाने भी वाली हूँ, 20 इंपॉर्टेंट MCQs जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं, और उसका पर्टिकुलर मैं आपको सिलेबस भी बताने वाली हूँ, पेपर का नोट भी आपको सारा बताने वाली हूँ, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है उन सब के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू, दैट इज हिस्ट्री ऑफ आर्ट HUQP10। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर पेपर में जो है आपका टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे आपके जो क्वेश्चन बेस्ड होंगे। उसके अलावा सारे क्वेश्चंस कंपलसरी, मतलब ज्यादा कोई चॉइसेस वगैरह का ऑप्शन नहीं है आपके पास। और आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो बायलिंगुअल होगा, मतलब कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपका पेपर आएगा। तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आपको इंग्लिश चूज करना है शुरू में या हिंदी। ये आपका है पूरा सिलेबस हिस्ट्री ऑफ मतलब सिलेबस ऑफ और हिस्ट्री ऑफ आर्ट, ये है आपका पूरा सिलेबस। अगर आप चाहे तो एक पर्टिकुलर मेजर टॉपिक से सारे इनके बारे में भी अगर आप चाहोगे तो पढ़कर जा सकते हो। अब हम बात करते हैं अपने पहले MCQ के बारे में, एक एक करके MCQ पास चलेंगे ताकि आपके पास जो है आंसर शो ना हो। फर्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ आर्ट इज एसोसिएटेड विद प्री हिस्टोरिक टाइम्स एंड इज फाउंड इन केव्स इन बोथ इंडिया एंड यूरोप। सो ऐसी कौन सी टाइप की जो आर्ट है जो कि मतलब प्री हिस्टोरिक टाइम्स की है और जिसे केव्स में भी पाया जाता है इंडिया की और यूरोप की, तो वो कौन सी आर्ट है, दैट इज केव पेंटिंग। ये तो आपको पता ही होना चाहिए और ये बहुत अच्छे ने पढ़ भी रखा होगा अगर आपका इसमें इंटरेस्ट होगा तो। तो केव पेंटिंग जो है वो वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म्स है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की, जो कि प्रोवाइड करती है आपको इनसाइट्स इनटू द लाइफ्स ऑफ प्री हिस्टोरिक कम्युनिटीज। ये जो पेंटिंग्स है ये कहाँ पे पाई जाती है, मेनली इंडिया और यूरोप में पाई जाती है। ऑफन ये डिपिक्ट करती है जो कि हमारे डेली लाइफ के सीन्स होते हैं, एनिमल्स, रिचुअल्स, एंड ये शोकेस करती है आर्टिस्टिक स्किल्स को एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस को ऑफ अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज विच सिविलाइजेशन इज नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्टिव आर्ट इंक्लूडिंग द फेमस डांसिंग गर्ल स्कल्पचर। तो आपको अगर पता हो ना, एक बहुत ही फेमस है जो कि डांसिंग गर्ल स्कल्पचर, तो कौन सी सिविलाइजेशन में जो है माना जाता है कि अपनी एक डिस्टिंक्टिव आर्ट के लिए माना जाता है उसे, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन सी है वो है हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में अगर आपको याद हो तो आपने मेजरली, क्योंकि अगर आपने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा तो आपने अपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा, और उसके अलावा आपके पास अगर 12th की बुक्स है इस समय हिस्ट्री की, तो उसमें अगर आप देखोगे तो हरप्पन सिविलाइजेशन का आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। तो हरप्पन सिविलाइजेशन जो है, जिसे हम कहते हैं एज अ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी, जो कि फ्लरिश हुई थी 3300 से लेकर 1300 BCE तक बिफोर सेंचुरी। उसके अलावा ये भी बताएगा कि जो डांसिंग गर्ल्स कल्चर है ये एक रिमार्केबल आर्टिफैक्ट है फ्रॉम दिस सिविलाइजेशन। कौन सी सिविलाइजेशन है ये, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हरप्पन सिविलाइजेशन। ये शोकेस करती है हमारे एडवांस्ड मेटलर्जिकल स्किल्स एंड अ हाई लेवल ऑफ आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स। नेक्स्ट आपका जो भी पेपर है तो उसका मुझे एक बार कोड लिख के बता देना, और जो भी पेपर का नाम है वो भी, उसके भी आपको जल्द से जल्द 20 इंपॉर्टेंट MCQs आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे। और उसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट अगर हम देखें, डेट इज अजंता और जो बाघ केव्स है वो किस चीज के लिए फेमस है। अजंता बाघ केव्स किस किस के लिए फेमस है, दैट इज फ्रेस्को पेंटिंग्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बच्चों को नहीं पता होता है और ये जनरली पेपर में पूछा जा सकता है। सो जो अजंता और जो बाघ केव्स है जो कि लोकेटेड है इंडिया में ही, और इनको किस चीज के लिए जाना जाता है, तो ये है एक्सक्विजिट फ्रेस्को पेंटिंग्स के लिए। ये जो पेंटिंग्स जो है वो क्रिएट की गई थी बिटवीन 2nd and 5th centuries के बीच में, एंड डिपिक्ट करती है सीन्स ऑफ मतलब फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा, इलस्ट्रेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट इन एंशियंट इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास है विच इंडियन डायनेस्टी प्रोड्यूस द पालासेना स्कल्पचर्स नोन फॉर देयर एक्सक्विजिट क्राफ्ट्समैनशिप, एंड दैट इज पाला डायनेस्टी। पाला डायनेस्टी के बारे में अगर हम बात करें तो जो पाला डायनेस्टी है जो कि रूल करती थी फ्रॉम 8th से लेकर 12th सेंचुरी तक, वॉज नोन फॉर इट्स पैट्रोनेज ऑफ द आर्ट्स। जो पाला सेना स्कल्पचर्स है जो कि कैरेक्टराइज थे बाय इंट्रिकेट डिटेल्स एंड रिफाइंड क्राफ्ट्समैनशिप आर अ टेस्टमेंट टू द आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, दैट इज जो पल्लवा और राष्ट्रकूटा जो स्कल्पचर्स थे वो किस रीजन से एसोसिएटेड थे, दैट इज तमिलनाडु। सो तमिलनाडु के एसोसिएटेड थे ये, मेनली ओरिजिनेट हुए थे साउथर्न रीजन ऑफ इंडिया में, और कहाँ पे मेजरली तमिलनाडु में। स्कल्पचर जो है जो कि बनाए मतलब डेटेड है फ्रॉम 6th से लेकर 19th सेंचुरी तक, और ये रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे यूनिक आर्टिस्टिक स्टाइल्स को एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस को ऑफ द रिस्पेक्टिव डायनेस्टीज। नेक्स्ट वी हैव इज
चंडेल स्कल्पचर्स जो कि प्राइमरली कौन सी स्टेट में फाइंड किए जाते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर सोच सकते हैं अपने या फिर आंसर कमेंट कर सकते हैं, और इसका आंसर होने वाला है मध्य प्रदेश। सो जो चंडेल स्कल्पचर्स है वो मेजरली जो है वो मध्य प्रदेश जो कि इंडिया में है वहीं पे फाउंड किया जाता है। और ये जो खजुराहो जो है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन मध्य प्रदेश, ये फेमस है अपने चंडेल टेम्पल्स के लिए। ये शोकेस करता है एक्सेप्शनल क्राफ्टमैनशिप एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट ये हैविस कौन सी आर्टिस्टिक ट्रेडिशन जो है वो इंक्लूड करती है दोनों ही ईस्टर्न मूवी और वेस्टर्न इंडियन ट्रेंड्स को इन मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग। तो पहला है पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, राजस्थानी, मुगल या मैन्युस्क्रिप्ट। तो आपका जो आंसर है डेट इज मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन। इसका आंसर के बारे में अगर हम देखें सो जो मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन है ये इनकॉर्पोरेट करते हैं दोनों ही मतलब एरियाज को, दोनों ही ट्रेंड्स को इन द आर्ट ऑफ इलस्ट्रेटिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स। जो ट्रेडिशन है वो इन्वॉल्व करता है क्रिएशन ऑफ इंटीग्रेट पेंटिंग्स ताकि अकंपनी कर सके रिलीजियस टेक्स्ट को और हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स को। ये रिफ्लेक्ट करता है रीजनल वेरिएशंस इन स्टाइल एंड सब्जेक्ट मैटर। नेक्स्ट वी हैव इज मुगल मिनिएचर पेंटिंग रीच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच एम्पर। तो कौन से ही पर्टिकुलर जो हम कह सकते हैं पीक मुगल मिनिएचर पेंटिंग जो है वो किस समय पे पीक पर आई थी, किस पर्टिकुलर एम्परर के टाइम पे। सो चार ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, औरंगजेब एंड बाबर। सो मैं औरंगाबाद बोलने लीजिए तो औरंगजेब एंड बाबर। सो आंसर इज अकबर। सो मुगल मिनिएचर पेंटिंग जो है जो कि बहुत ज्यादा फ्लरिश हुई थी अकबर के टाइम पे 16th सेंचुरी पे। अकबर कौन थे, वो एक पैट्रोन थे ऑफ आर्ट्स। उनका जो कोर्ट था वो अट्रैक्ट करता था रिनोन्ड आर्टिस्ट को जो कि क्रिएट करते थे डिटेल्ड एंड वाइब्रेंट मिनिएचर को पेंटिंग्स जो कि डिपिक्ट करते थे बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऑफ मुगल लाइफ, कल्चर एंड हिस्ट्री। नेक्स्ट वी हैव इज डेक्कनी मिनिएचर पेंटिंग इज एसोसिएटेड विद द आर्टिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ विच रीजन इन इंडिया। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है हमारे पास, राजस्थान, डेक्कन प्लेट्यू, उसके अलावा है आपके पास पंजाब और इसका है बंगाल। इसका तो आपको ऑप्शन से आंसर पता चल जाता है डेट इज डेक्कन प्लेट्यू। सो डेक्कनी मिनिएचर जो है मेजरली इमर्ज होता है डेक्कन प्लेट्यू रीजन में इंडिया के। कौन सा रीजन होता है ये आपको पता होना जरूरी है। एंड कंपास करते हैं बहुत सारी सल्तनत से जैसे कि ड्यूरिंग 16th एंड 17th सेंचुरी। ये स्टाइल करते हैं मतलब इसका जो स्टाइल है वो करेक्टराइज्ड है बाय अ फ्यूजन ऑफ इंडिजिनियस एंड पर्शियन इन्फ्लुएंसेस रिजल्टिंग इन यूनिक एंड विजुअल स्ट्राइकिंग आर्टवर्क्स। नेक्स्ट वी हैव इज द रेनेसांस इटालियन मैनिफेस्टेशन वाज अ रिवाइवल ऑफ आर्ट एंड अ लर्निंग ड्यूरिंग विच पीरियड। तो कौन से पीरियड में था, दैट इज अ 14th टू 17th सेंचुरी। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ सकते हैं जो कि मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच आर्ट मूवमेंट इज करेक्टराइज्ड बाय इट्स एम्फेसिस ऑन इमोशनल एक्सप्रेशन एंड इंडिविजुअलिज्म। सो देयर आर फोर ऑप्शंस और इसका आंसर है एक्सप्रेशनिज्म। नेक्स्ट वी हैव इज द आर्ट स्टाइल नोन फॉर इट्स यूज ऑफ लाइट एंड कलर टू कैप्चर अ मूवमेंट्स इंप्रेशन इज कॉल्ड, तो दैट इज इंप्रेशनिज्म। सो ये ना ये वाला ही जरूर याद रखना कि कौन सी आर्ट मूवमेंट है जो कि करेक्टराइज थी एम्फेसिस ऑन द इमोशनल एक्सप्रेशन एंड इंडिविजुअलिज्म। सो दैट वाज एक्सप्रेशनिज्म जो कि ना आपको खुद एक्सप्रेस कर पाते, इमोशनली एक्सप्रेस कर पाओगे, इंडिविजुअल अपने बारे में कैसे बता पाओगे थ्रू एक्सप्रेशन। वहीं दूसरा है आर्ट स्टाइल जो कि नोन थी फॉर लाइट एंड कलर, कोई भी चीज आप कैसे देखोगे कैप्चर हुई तो दैट इज ऑफ इंप्रेशनिज्म। तो ये चीज आपको याद करना जरूरी है। नेक्स्ट है कौन सी इंडियन स्टेट थी जिसने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन द रिवाइवल ऑफ इंडियन आर्ट इन बंगाल, तो कौन सी स्टेट होगी, दैट इज वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट वी हैव इज इसका वेस्ट बंगाल का ना एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लेना, थोड़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है ये। नेक्स्ट वी हैव इज इजिप्टियन और जो समरियन जो आर्ट थी वो किस पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स है ऑफ विच एंशियंट सिविलाइजेशन आर्टिस्टिक ट्रेडिशन, सो दैट इज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट वी हैव इज जो पैराथेनॉन इन एथेंस, द पैराथेनॉन्स इन एथेंस है वो फेमस एग्जांपल है किस स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर के। सो यू हैव द फोर ऑप्शंस एंड द आंसर इज ग्रीक क्लासिक, ग्रीक क्लासिकल। नेक्स्ट वी हैव इज मिडिवियल क्रिश्चियन आर्ट ऑफन डिपिक्ट सीन्स फ्रॉम, सो कौन से पर्टिकुलर मतलब यहाँ पे माइथोलॉजी से जो है डिपिक्ट करते थे सीन, सो दैट इज ऑफ क्रिश्चियन रिलीजियस टेक्स्ट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जो टर्म है ब्रूक इज आई थिंक इसको कुछ और भी बोल सकते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो सकती है, आई होप इट इज ब्रूक ओनली। द टर्म ब्रूक इज एसोसिएटेड विद अ स्टाइल दैट इमर्ज इन विच रीजन, सो दैट इज नीदरलैंड्स। नेक्स्ट वी हैव इज हु इज कंसीडर्ड अ प्रोमिनेंट आर्टिस्ट एसोसिएटेड विद नियो क्लासिकल आर्ट इन फ्रांस,
सो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है और इसका ऑप्शन जो है दैट इज जेकिस लुइस डेविड। नेक्स्ट यू हैव इज इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जेकिस लुइस डेविड जो थे वो कंसिडर किया जाता है एक प्रोमिनेंट आर्टिस्ट जो कि एसोसिएटेड थे विद द न्यू क्लासिकल आर्ट इन फ्रांस। ये एक्टिव थे ड्यूरिंग द लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरीज में। डेविड जो थे वो वर्क करते थे ऑफन डिपिक्टेड क्लासिकल थीम्स हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड आइडियलाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन फॉर्म अलाइनिंग विद द न्यू क्लासिकल एस्थेटिक। नेक्स्ट वी हैव इज कौन सी आर्ट मूवमेंट जो है वो कैरेक्टराइज है बाय द फ्रेगमेंटेड फॉर्म्स एंड मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। सो दैट इज क्यूबिज्म। एंड लास्टली वी हैव इज हु इज रिनोन्ड आर्टिस्ट एसोसिएटेड विद द पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट मूवमेंट। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। इसके चार ऑप्शन है, एक तो है पेब्लो पिकासो, दूसरा है विंसेंट वान गोग, तीसरा है हेनरी मेटिसी एंड चौथा इज एडगर डेविस। तो इसका आंसर आप कमेंट्स में मुझे बताने वाले हैं कौन से जो है रिनोन्ड आर्टिस्ट है जो कि एसोसिएटेड है विद द पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट मूवमेंट। सो मिलते हैं इसके साथ अगली वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर लेना चैनल पे कमेंट कर देना आपको जैसी ये वीडियो लगी है। उसके अलावा कोई भी क्वेरी होगी तो भी आप कमेंट कर सकते हैं और जो भी आपका नेक्स्ट पेपर है तो उसका कोड और पेपर का नाम जो भी है वो आप कमेंट कर देना। उसके ऊपर भी जल्द से जल्द जो है ये वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस की वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।